हेलो, क्या हुआ? आप लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। परेशानी की कोई खास वजह? हाँ डॉक्टर, एक्चुअली इनकी एक महिला दोस्त को इनके ब्रेस्ट के पेन के बारे में पता चला। उसने बोला कि ये ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, और उन्होंने ही हमें आपके पास आकर इसके बारे में पूरी जानकारी लेने की एडवाइस दी। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग क्या आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, इसके लक्षण क्या है? नहीं डॉक्टर, मैंने लोगों से सुना है ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट में बहुत पेन होता है और ये बहुत खतरनाक भी होता है। डॉक्टर, जब से इनको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला है, ये खाना पीना सब भूल गई हैं, और मेरे मन में भी अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। मैं जानना चाहता हूँ ये है क्या। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पर दूध नलिकाओं के अंदरूनी परत से शुरू होता है और धीरे धीरे घातक ट्यूमर बनकर हमारे शरीर के और हिस्सों में भी फैलने लगता है, और इस टाइप के ब्रेस्ट कैंसर को ग्लोब्यूलर कार्सिनोमा कहते हैं, जो ज्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। तो क्या ये मेल में भी हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत ही कम। आंकड़ों के हिसाब से दुनिया में पुरुष और महिलाएं 18.2% तक ब्रेस्ट कैंसर के शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर, इसके कुछ सिम्टम्स हैं क्या? पता कैसे चलेगा कि? देखिए, इसके सिम्टम्स सिर्फ एक पेशेंट ही महसूस कर सकता है, जैसे हेडेक होना, पेन होना। लेकिन हाँ, कुछ साइन ऐसे भी हैं जो बाहरी लोग भी महसूस कर सकते हैं, जैसे गिल्टी हो जाना, चकत्ते पड़ जाना, खुस्ता रखे कुछ। तो क्या डॉक्टर, ब्रेस्ट में सूजन या फिर गांठ होना ही कैंसर के मेन लक्षण है? जी हाँ, महिलाओं के ब्रेस्ट में गांठ होने का ये पहला सिम्टम्स होता है कैंसर का। लेकिन अगर गांठ हो जाती है और आप ये समझ लेते हैं कि आपको कैंसर है, तो ये भी सही नहीं है, लेकिन इसको नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और अगर वो सलाह देता है तो आपको चेकअप भी कराना चाहिए। और क्या लक्षण हो सकते हैं इसके? इसका एक लक्षण और भी है, अगर आर्मपिट या फिर ब्रेस्ट के साइड में कहीं पेन होना या गांठे पड़ जाना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन इसका संबंध महावारी से नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में भी कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। क्या डॉक्टर, ब्रेस्ट के कलर में भी कुछ चेंजेस आते हैं? जी हाँ बिल्कुल, ब्रेस्ट के कलर में भी बदलाव आ सकता है, जैसे कि रेडनेस या फिर ऑरेंज। यहाँ तक कि ब्रेस्ट के निप्पल के ऊपरी हिस्से में भी कुछ चकत्ते या फिर छोटी छोटी फुंसियां देखने को मिलती हैं। यहाँ तक भी देखा गया है कि आर्मपिट या फिर हमारे ब्रेस्ट के साइड वाले हिस्से में कुछ स्वेलिंग आ जाती है, कुछ गांठे पड़ जाती है। डॉक्टर, अगर कोई कैंसर से अफेक्टेड है तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल है या फिर कोई परेशानी है? जी हाँ बिल्कुल, परेशानी हो सकती है। ब्रेस्ट के निप्पल डिस्चार्ज हो जाते हैं और कभी कभी तो इनमें से ब्लड भी आने लगता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि निप्पल का साइज भी बड़ा होने लगता है, पर इस कंडीशन में बच्चा खुद ही हट जाता है, वो खुद ही दूध नहीं पीता। तो क्या डॉक्टर, ब्रेस्ट के साइज में भी कोई बदलाव आता है? जी हाँ बिल्कुल, ब्रेस्ट के साइज में भी बदलाव आने लगता है और उसके कलर में भी बदलाव आने लगता है। यहाँ तक कि ब्रेस्ट के निप्पल पर एक पापड़ी जैसा सा कुछ जमने लगता है, और कुछ दिनों के बाद वो पापड़ी अपने आप ही उतरने लगती है। तो अब तो आप लोगों को काफी समझ आ गया होगा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। अगर उसके बावजूद भी आप लोगों को कोई परेशानी होगी तो आप कभी आ सकते हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू। हेलो डॉक्टर। हेलो, कहिए क्या परेशानी है आपकी? डॉक्टर, ऐसे तो कुछ परेशानी नहीं है, बट कुछ जानकारी लेने आई हूँ मैं आपके पास। किस तरह की जानकारी? सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट मेरे हस्बैंड एनल सेक्स करना चाहते हैं, जिसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे। देखिए, ओरल और वजाइनल सेक्स की तरह ही एनल सेक्स भी होता है, लेकिन वो आप दोनों पार्टनर की रजामंदी के साथ ही होना चाहिए। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।